हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसी रिबॉलिंग पे, और वो भी आईसी रिबॉलिंग में। आज के इस वीडियो में आपको इतना इजी बताने वाला हूं कि आप बिल्कुल वन बाय वन पूरा तरीके से सीख पाएंगे कि आईसी रिबॉलिंग आप वन टाइम में परफेक्टली कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ सीखने की लगन है, आपके अंदर कुछ चाह है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट में जाके बैठ के सीखें, तभी सीख पाएंगे। एक आइडिया कहीं से लेके सीख के आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, आईसी से रिलेटेड सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिएगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि मैं जो तरीका आपको इस वीडियो में बताऊँगा, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो 100% आप सीख जाएंगे कि आईसी को कैसे रिवॉल्व किया जाता है। बहुत सारे हमारे भाई लोग होते हैं जिनको डर लगता है आईसी लेवल पे काम करने में। तो छोटे से एक आदमी जब स्टार्ट करता है तो छोटे से ही स्टार्ट करता है, इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और इसके ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, आईसी रिबॉलिंग के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी एक पीपीडी पेस्ट की, जो कि यह है हमारे पास पीपीडी पेस्ट 183 डिग्री का, और इसकी टोटल इसमें 42 ग्राम होता है। एक आपका पीपीडी पेस्ट हो गया, और दूसरी आवश्यकता पड़ेगी आपको इस तरीके का बैंड ट्यूजर की, और दोस्तों जिससे हम आईसी स्टेंसिल्स को इस तरीके से दबाएंगे आगे, जो मैं आपको भी बताऊंगा। और तीसरी आवश्यकता पड़ेगी इस तरीके का सर्जिकल ब्लेड की, जिससे हम पीपीडी पेस्ट को अप्लाई करेंगे। और दोस्तों, बहुत सारा पीपीडी पेस्ट लगाने के लिए ऐसा टूल आता है, तो मैं आपको इस सब में पैसा वेस्ट करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो सर्जिकल ब्लेड है ऑलमोस्ट सभी हम मोबाइल मैकेनिक भाई साहब के पास, सभी लोगों के पास होगा। ऐसा कोई दुकान नहीं होगा जिनके पास ये सर्जिकल ब्लेड ना हो, और आज तक मैं इसी से हमेशा ही काम करता हूँ, सर्जिकल ब्लेड से। और तीसरी आवश्यकता पड़ेगी आपको एक टिशू पेपर की। यह टिशू पेपर दोस्तों जो रेस्टोरेंट होटल वगैरह में यूज होता है, और शादी विवाह में भी हाथ या फिर प्लेट को साफ करने के लिए यूज करते हैं। और तीसरी आवश्यकता पड़ेगी आपको एक कपड़े की, जो कि कोई सा भी आप कपड़ा ले सकते हैं, कोई सा भी कहीं सा भी कपड़ा ले सकते हैं। और इसके बाद एक आवश्यकता होगी आपको आईसी के लिए, जिसको हम रिवॉल्व करेंगे। मैं इस वीडियो में कुछ भी फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि एक्चुअल आपको टाइमिंग और सही चीज़ ऐसा लगे आपको कि प्रैक्टिकल लाइव हो रहा है, जैसे कि आप अपने शॉप पे बैठ के कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आप गलती क्या क्या करते हैं। सबसे पहले ये आपका नया पेस्ट है, जिसको आप मैं नया पेस्ट जानबूझ के लिया हूँ, मेरे पास ऑलरेडी वो पुराना पेस्ट है। तो देखिए, इसमें बहुत सारा पार्ट गीला है, देख रहे हैं, इसमें पार्ट गीला है। अगर आप इसको साइड से करके और अगर निचला भाग को निकाल के ये वाला भी अगर आप डायरेक्टली आईसी के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो होगा क्या कि जैसे ही आप आईसी के ऊपर फिट करके, स्टेंसिल फिट करके, इस पेस्ट को अप्लाई करके डायरेक्ट हीट देंगे, तो ये जो पीपीडी पेस्ट है ये फूल जाएगा और आईसी से अटैच हो जाएगा। एक दूसरे से जो ये बॉल दिख रहे हैं आपको, एक दूसरे में बॉल ज्वाइंट हो जाएगा, और पहली बात कि ये जो पीपीडी पेस्ट है ये आपका फूल जाएगा। जब फूल जाएगा तो आपका बॉल प्रॉपर बनेगा नहीं, और इसी वजह से आप परेशान हो जाते हैं और आपको लगता है कि आईसी रिबॉलिंग बहुत बड़ा ये है। नहीं, आईसी रिबॉलिंग मैं इस वीडियो में आपको बहुत ईजी बताऊँगा, और 100% एक बार में आप सीख जाएंगे अगर वीडियो को फॉलो करते हैं। तो देखिए, अब आपको थोड़ा सा पेस्ट ले लेना है, ऐसे इस तरीके का पेस्ट निकाल लेना है, जितना आवश्यकता हो एक बार में या दो बार में, जितना आप लेना चाहते हैं, और एक कपड़ा ले लेना है। अब दोस्तों, इस कपड़े से हम लोग करेंगे क्या कि इस कपड़े पे इस पेस्ट को ऐसे रख लेना है, ठीक। अब इस पेस्ट को इसे रख के और ऐसे घुमा लेना है, घुमाने के बाद इसको हम दबा देंगे। दोस्तों, जब दबा देंगे तो इसका जो गीलापन है, देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा ग्रे में,
जो गीलापन है एक कपड़े में सूख जाएगा, और जब गीलापन सूख जाएगा तो आपका पीपीडी पेस्ट इस तरीके का हो जाएगा। और अब इस पेस्ट को हमको निकाल लेना है। अब दोस्तों ये जो पेस्ट आप निकालेंगे, ये इस पेस्ट को जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ये पेस्ट ना तो फूलेगा ना तो ये बॉल आपस में अटैच होगा। तो अब इसको मैं आपको, ये तो मैं आपको पीपीडी पेस्ट को सूखा करने का उपाय बता दिया जो कि एकदम परफेक्टली है, और इस पे आप उतना ही निकालें जितनी आपको आवश्यकता हो, ठीक। और इसके बाद फिर सूखा कर लें, फिर ज़रूरत हो तो फिर इसको खोल के आप काम ले सकते हैं। अब देखिए अब टिशू पेपर का क्या यूज है। टिशू पेपर आप जैसे ही टिशू पेपर होता है पतला होता है, इसे आप थोड़ा सा मोड़ लें, और आईसी के अकॉर्डिंग, आईसी अगर थोड़ी मोटी है, कीपैड मोबाइलों का आईसी थोड़ा मोटा होता है, आईसी मोटी है तो थोड़ा इसको मोटा में वो निकलें, ताकि देखिए जब भी आप इसे प्रेस करें तो आईसी टिशू पेपर के बराबर में घुस जाए, और जब इस पर स्टेंसिल्स रखेंगे आप तो उस टाइम में ये आईसी हिलेगी नहीं। जब घुस जाएगी टिशू पेपर के अंदर तो आईसी देखिए हिलेगी नहीं, और अगर नहीं घुसेगी तो आईसी इसे हिलेगी, और जब आप पीपीडी पेस्ट अप्लाई करेंगे तो हमारा जो छिद्र होता है, बॉल्स होता है स्टेंसिल्स में, उससे क्या होगा, उससे हमारी जो पीपीडी पेस्ट होगी वो फैल जाएगी इस तरीके से, और जब आप हीट देंगे तो प्रॉपर बॉल नहीं बनेगा। अब चलिए मैं आपको लाइव और प्रैक्टिकल करता हूँ माइक्रोस्कोप पे। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास टिशू पेपर, जो कि वही टिशू पेपर है, और यहाँ पे ये है हमारी आईसी, ये देख लीजिए ये है आईसी। और अब हम इसे यूनिवर्सल स्टेंसिल इस पे रखेंगे, और जब आप यूनिवर्सल स्टेंसिल यहाँ पे रखें तो देखिए ये हमने आईसी यहाँ पे फिट कर लिया, लेकिन अब आईसी यहाँ पे नहीं, एक साइड से आईसी को लगाएं, एक साइड से, अगर यूनिवर्सल स्टेंसिल है तो एक साइड से लगाएं, आईसी का चारों कोना यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक कम से कम एक कोना बराबर रहे, ठीक। और देखिए अब इसका बॉल्स आपको मिला लेना है कि आईसी पे हमारा सारे बॉल्स परफेक्टली ओके बैठ चुके हैं। अब दोस्तों जब ये आपके परफेक्टली बैठ जाए तब यहाँ पे आपको इस तरीके से, ऐसे आपको दिखेगा नहीं लेकिन मैं ऐसे दबा रहा हूँ स्टेंसिल को थोड़ा थोड़ा साइड में लेके। अब मैंने जब इस पे दबा लिया तो जो मैंने सूखा हम लोगों ने पीपीडी पेस्ट बनाया था अभी, उसको इस ब्लेड के मदद से अप्लाई करेंगे। देखिए ये देखिए जब हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये फूल नहीं रहा है, पानी के तरीके नहीं चल रहा है, और आप अगर पहले अप्लाई करते तो ये पानी के तरीके आपको दिखाई देता है कि हमारा बॉल पिघल रहा है। पीपीडी पेस्ट ज़्यादा हो गया, वापस हम इसमें रख देते हैं, उतना ही यूज करेंगे जितना कि इस पे हो जाए। ये देखिए इस पे कोई भी पानी नहीं है, और इसी पानी की वजह से, या पानी या लिक्विड जो भी होता है, मैं एक नॉर्मल भाषा में बोल दिया, जो भी इसका लिक्विड होता है पानी के तरीके, वो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, और हमने ये पूरी तरीके से आईसी पे अप्लाई कर दिया है। अब देखिए थोड़ा सा आईसी पे इसे हाथ को घुमा लें जिससे कि बराबर वो इकर जाए, और अब इसे कपड़े में थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ देखिए अब इसको कपड़े से या टिशू पेपर से जो भी होगा आपको ऐसे बराबर पोंछ लेना है। जब आप इसको बराबर पोंछेंगे तो इस टाइम ध्यान दें कि जब ऐसे आप पोंछ रहे हैं तो ज़्यादा ना इकरें, और ज़्यादा प्रेस करके ना इकरें, आराम से इकरें, नहीं तो क्या होगा कि आईसी हिल जाएगी अपने जगह से। और अभी हमारे SMD का एयर है 340 पे है, और नहीं, हीट 340 पे है और एयर है 2 पे। अब इस पर हम थोड़ा हीट दे देंगे। देखिए जैसे ही हम हीट देंगे कोई भी बॉल
हमारी ऊपर की तरफ नहीं उठेगी, ये गारंटी है। देखिए कोई भी बॉल आपको नहीं दिखता होगा जो ऊपर की तरफ आता हो। देखिए वन टाइम में कितना सुंदर आईसी का बॉल बन गया है, राइट। अब दोस्तों थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया, छुआ तक नहीं है फास्ट फॉरवर्ड के नाम पे। देखिए अब अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको लगता है कि हमारे बॉल स्टेंसिल से ऊपर ऊपर आ गए हैं थोड़ा बहुत, तो आप इसे कटर से काट दें। अगर आपको लगता है कि नहीं है, जो बॉल हमारा बना है परफेक्ट बना है, वर्क कर जाएगा, तो आप कटर से ना कटें। जैसे कि मैं आपको कटर से काट के दिखाता हूँ, और आप कटर से नहीं भी काट सकते हैं। तो ब्लेड थोड़ा हमारा पुराना है जो कि काट नहीं रहा है, तो नया ब्लेड लगा लेते हैं। देखिए जब आप कटर से ऐसे काटेंगे, नया ब्लेड से ही काटें अगर आप कटर यूज कर रहे हैं तो। देखिए जब आप कटर से इस तरीके से काट लेंगे तो एक प्रॉपर शेप में हमारा बॉल कट गया, और देखिए कोई भी बॉल ऊपर की तरफ नहीं उठा है। अब दोबारा इसमें हम हीट लगा देंगे, कुछ नहीं करना है, पेस्ट भी अप्लाई ना करें। अगर पेस्ट भी अप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी अप्लाई करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, लेकिन पेस्ट भी अप्लाई नहीं करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। देखिए जब दोबारा आप हीट मारेंगे तो अब हमारा प्रॉपर शेप में बॉल बन के रेडी है। थोड़ा सा वेट करेंगे ठंडा जाए, प्रॉपर शेप में बॉल रेडी है, ऊपर की तरफ बॉल नहीं है। तो ट्यूजर से इस तरीके से आप आईसी को अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे तो आईसी नीचे आपकी निकल जाएगी। ये देखिए, ये अब टिश्यू पेपर को हटा देना है और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। टिश्यू पेपर रह नहीं देते हैं, आपको दिखेगा नहीं, हमारा वो माइक्रोस्कोप का पैड ब्लैक है। देखिए अब जो इस पर आपको दिख रहा है, आप ब्रश से इसे जब हम अभी क्लीन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों एक भी बॉल ना तो कोई हमारा छूटा है, ना तो कोई हमारा बॉल अटैच हुआ है, और ना ही ना कोई बॉल आपको छोटा बड़ा दिखता होगा, परफेक्टली है। फिर भी इस पे आप एक बार, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कह दिया, फिर भी आप इस पे एक बार थोड़ा सा पेस्ट डाल के इस तरीके से, और पेस्ट डाल के हीट दे देंगे। देखिए एक बार पेस्ट डाल के ऐसे हीट देना जरूरी है, क्योंकि जब आप रिवॉल्व करते हैं तो आईसी के साथ साथ जब आप इस पे पेस्ट डाल के दोबारा हीट देंगे तो प्रॉपर अपने साइज में ये बॉल गोला होके और फिक्स अपने जगह पे हो जाएगा। अब ये हमारी आईसी पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है यूज में लाने के लिए। तो मैंने आपको जो आसान से आसान जितना तरीका हो सका मैंने आपको बताया, और दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगी है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एक बार देखें, ठीक है, एक बार लाइक करके जाएं, और अगर आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए तो शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल इच्छा है सब्सक्राइब कर सकते हैं, गलत नॉलेज नहीं दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। इस आईसी को अब आप यूज कर सकते हैं, मैंने इस पे कीपैड का बताया, आप चाहें तो इस तरीके से। पहले मैं चाहूँगा कि आप छोटे से आईसी से शुरुआत करें कीपैड के, जैसे मीडियाटेक का, पता नहीं कौन सा है, मीडियाटेक का या कीपैड का 6167 क्या होता है नंबर, जो भी होगा।
162। और फिर इसके बाद आप आगे आगे EMMC पे करें, इसके बाद CPU पे करें। एक दो IC जहाँ आप रिवॉल्व करेंगे आपको ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा कि मुझे कब कहाँ और कैसे काम करना है।